गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, अब्दुल वकील ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर स्टेटिव वर्ब्स को समझाइए। इसके पहले भी काफी व्यूअर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि सर स्टेटिव वर्ब्स को थोड़ा समझाया जाए कि आखिर स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्टेटिव वर्ब्स समझाने वाला हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में शुरू से आखिर तक रहें, उसके एक एक बात को समझिए और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। दोस्तों, स्टेटिव वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जरूरी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो स्टेटिव वर्ब्स के बारे में बताते हैं। तो क्यों ना आज हम लोग चालू करें, स्टेटिव वर्ब्स को समझते हैं। तो बोर्ड पे लिखिए, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टेटिव वर्ब्स, जो हम लोग समझ सकते हैं नॉट एक्शन, कांट यूज विथ टू बी हेल्पिंग अप। इसको हम लोग टू बी हेल्पिंग अप के साथ यूज नहीं कर सकते। नॉट एक्शन, कांट यूज टू बी हेल्पिंग अप, ये एक्शन नहीं होता और इसके साथ हम लोग टू बी हेल्पिंग अप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये समझते हैं कि टू बी हेल्पिंग अप का मतलब ये होता है कि इज एम आर, वाज बर, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, शुड बी, ये सारे टू बी हेल्पिंग अप होते हैं। तो स्टेटिव वर्ब्स को हम लोग टू बी हेल्पिंग अप के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये एक्शन नहीं होता है। तो आखिर ये होता क्या है, ये है आज का टॉपिक। तो मैं आपको बताऊं, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस को बताता है, मैं आपको सब बताने वाला हूं। सेंसेस को बताता है, दोस्तों ध्यान देंगे, सेंसेस को बताता है। थिंकिंग को बताता है, बिलोंग, जो बिलोंगिंग्स होती है उनको बताता है, ये है। मैं टॉपिक चालू करने के पहले मैं आपको बताऊं कि स्टेटिव वर्ब्स का मतलब ये होता है कि स्टेटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट एक्सप्रेस अ स्टेट, जो एक स्टेट को शो करता है, जो एक दशा या स्थिति को शो करता है, हमारी मनोदशा को शो करता है, हमारी स्थिति को शो करता है, हमारी सिचुएशन को शो करता है, रेदर देन एन एक्शन, वो एक्शन को शो नहीं करता है। दे यूजुअली रिलेट टू थॉट्स, जो जनरली थॉट्स से रिलेटेड होता है, विचार से रिलेटेड होता है, इमोशंस, जज्बातों से रिलेटेड होता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है, सेंसेस, जो हमारे सेंसेस होते हैं, लिसन, हियर, इनसे रिलेटेड होता है, स्टेट ऑफ बीइंग, और स्टेट ऑफ बीइंग से रिलेटेड होता है, एक मनोस्थिति से संबंधित होता है। दे आर नॉट यूज्ड विथ आईएनजी, ई आईएनजी के साथ इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर स्टेटिव वर्ब्स होते क्या हैं। अब मैं आपको इनको, मैंने चार कैटेगरीज में मैंने अलग अलग समझाने की कोशिश किया है, मुझे उम्मीद है कि आप इनको समझ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो बीच में नहीं छोड़ना है, इसको आखिर तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपको समझाऊं कि आई एम नोइंग, ये मैंने कंटिन्यूस टेंस में नो का इस्तेमाल किया, आई एम नोइंग। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है यू आर सीइंग, क्या दोनों सेंटेंस अगर देखें तो आपको सही लग रहे होंगे, कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल आपको लग रहा होगा, लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग है दोस्तों, ये दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब्स है। तो स्टेटिव वर्ब्स का कभी भी कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता है, ये आपको ध्यान देना है। तो स्टेटिव वर्ब्स क्या, मैंने बता दिया, जो हमारे स्टेट को शो करते हैं, हमारी मनस्थिति को, हमारी स्थिति को शो करते हैं, जो हो सकता है फीलिंग्स या इमोशंस, जैसे लव या हेट, ये भी स्टेटिव वर्ब्स हैं। आई एम लविंग यू, बिल्कुल गलत सेंटेंस, आई एम लविंग यू कभी नहीं कहना है, आई लव यू कहना है। ओके, जिनको कह सकते उन्हीं को कहना है दोस्तों, हर किसी को मत कह दीजिएगा, नहीं तो लोग गलत समझ जाएंगे। आगे लिखते हैं सेंसेस, सेंसेस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, स्टेटिव वर्ब्स हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगाया जा सकता है। हियर, आई एम हेयरिंग रॉन्ग, आई एम सीइंग, देखिए ऊपर रॉन्ग था। फीलिंग, यू आर फीलिंग, नो। साउंड, ही इज साउंडिंग, नो। इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड, ये कह सकते हैं, ये अच्छा आवाज देता है, लेकिन इट इज साउंडिंग गुड, ये ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। स्मेल, I am smelling the curry. No, I smell the curry. I am smelling the curry. Grammatical wrong है, I smell the curry. मैं सब्जी को सूंघ रहा हूं, सूंघता हूं, जो भी सेंस आप निकाल दे अपने हिंदी में, लेकिन इसका कंटिन्यूस टेंस नहीं बनाना है क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स का कंटिन्यूस टेंस नहीं होता है। अब आ जाते हैं थिंकिंग, थिंकिंग में जैसे कि हो गया फॉरगेट, फॉरगेट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड और इमेजिन, इनका भी कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है
मैंने सुना है कि वे कंडीशनल टेंस का इसमें इस्तेमाल करते हैं. जैसे कई बार आप लोग को जब आपके टीचर समझाते हैं तो आप कहते हैं मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो आपको कभी नहीं कहना है कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, बल्कि आपको कहना है कि आई एम गेटिंग. आप गेट यानी भी समझना होता है, वहां आप लोग आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं कहना है, इसका कंडीशनल टेंस नहीं बनेगा. ये भी स्टेटिव वर्ब्स है. नेक्स्ट आ जाते हैं बिलोंग, यानी होता है संबंधित होना. ऑन कोई चीज अपने पास, आई ऑन अ कार, मेरे पास एक कार है. आई एम ओनिंग अ कार, रॉन्ग. हैव, लेकिन हैव ईट के सेंस में आएगा तो हम लोग हैव में आईएनजी लगा सकते हैं. आई एम हैविंग लंच, वहां लगा सकते हैं. बी, यू आर बीइंग अ पर्सन, यू आर बीइंग अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो रहे हो. बी का भी कंटिन्यूस सेंस नहीं बनेगा होने के सेंस में. तो ये था स्टेटिव वर्ब्स दोस्तों. इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेटिव वर्ब्स है, तो मैं आपको सारे स्टेटिव वर्ब्स बोल के बताता हूं और आपको इसको याद रखना है, समझना है कि स्टेटिव वर्ब्स आखिर क्या है, जिसमें एक्शन नहीं होता है, जिसमें कंटिन्यूस टेंस हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो हमारे स्टेट को, हमारी मनोस्थिति को बताता है, जो हमारी फीलिंग्स को, हमारे सेंसेस को, थिंकिंग को, बिलोंगिंग को हमको शो करता है, वो होता है स्टेटिव वर्ब्स. ओके दोस्तों, तो कुछ मैं वर्ब्स लेके बताता हूं जो स्टेटिव वर्ब्स बहुत सारे हैं दोस्तों. कुछ स्टेटिव वर्ब्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके, आप ध्यान दीजिएगा. जैसे एडोर, एग्री, सीम, बिलीव, कंसर्न, कंसिस्ट, इसमें आपको आईएनजी नहीं लगाना है, इसका कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा. डिनाय, डिपेंड, लेकिन बहुत सारे डिपेंड देते हैं, आई एम डिपेंडिंग, रॉन्ग है ये, कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा. डिजर्व, डिसएग्री, डाउट, इक्वल, और जो पहले से यहां लिखे हुए दोस्तों उनके बारे में नहीं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वो नहीं बता रहा हूं, बहुत सारे, इसलिए मुझे ये लिखी चीज बतानी पड़ रही है आपको. इमेजिन, इमेजिन तो शायद लिखा होगा, हाँ ये लिखा हुआ इमेजिन, ओके. इंक्लूड, लेक, लेक कभी नहीं बनेगा, आई एम लेकिंग, नो ऐसा नहीं बोलेंगे. उसके बाद में है मैटर, मीन, मेजर, माइंड, आई एम माइंडिंग, बिल्कुल गलत है, आई एम माइंडिंग कभी नहीं बोलेंगे. नीड, यू आर नीडिंग, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद है पजेस, यू आर पजेसिंग अ हाउस, नो यू पजेस अ हाउस होना चाहिए. उसके बाद रिकग्नाइज, रिकग्नाइज, रिजेंबल, यू आर रिजेंबलिंग योर फादर, नो यू रिजेंबल योर फादर, ऐसा होना चाहिए. सपोज, सपोज यानी होता कल्पना करना, यू आर सपोजिंग नहीं कहेंगे, यू सपोज कहेंगे. इसका सिंपल सेंटेंस बन सकता है, कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा. टेस्ट, आई एम टेस्टिंग, नहीं आई टेस्ट, टेस्ट यानी होता स्वाद देना, तो आई एम टेस्टिंग नहीं कहेंगे, आई टेस्ट बोलेंगे. तो वे, वे यानी होता वजन करना, वे, आई एम वेइंग नहीं बोलेंगे, आई वे बोलेंगे. और विश, आई एम विशिंग नहीं बोलेंगे, आई विश बोलेंगे. तो ये थे दोस्तों कुछ स्टेटिव वर्ब्स जो बड़े काम के थे. मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है समझ में आ गया है, इसका डाउट समझ में आ गया. बस आपको इतना ध्यान देना कि इसके अंदर एक्शन नहीं होता. एक्शन का मतलब होता है जैसे जंप, जंप में हमें कुछ एक्शन करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा. रन, रन एक एक्शन वाला वर्ब है जिसमें हमको रनिंग करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है. कुक, कुक में कुछ हमें काम करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है. टीच, टीच भी एक एक्शन है, काम करना पड़ेगा, टीचिंग पढ़ाना पड़ेगा. लेकिन ये सारे स्टेटिव वर्ब्स में एक्शन नहीं होता है, इसमें स्टेट होता है, उसमें एक मनस्थिति होती है. हम ये सब शो करते हैं फीलिंग्स और सेंसेस, थिंकिंग, ये बिलोंगिंग्स को बताते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स, जिसका कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता है. तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा. और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें. चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपके और मेरे डाउट होंगे. और दोस्तों शेयर बहुत से लोगों को करना है, और डाउट पूछना बंद नहीं करना है, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा. ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते. मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद. बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच.